तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के रिश्तों को लेकर के कई तरह की चर्चाएं और बातें आपने भी सुनी होगी। हम भी लगातार आपको खबरों में बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में एक अलग तरह का जुगाड़ और जोड़ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल रहे हैं और नीतीश कुमार की हर बात मान रहे हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल से जुड़ा हो या पार्टी के फैसलों में जुड़ा हुआ हो, यहाँ तक कि अब इंटरफेयर पार्टी के फैसलों में भी हो गया है, किसे क्या देना है, किसको क्या लेना है। हालांकि जगता बाबू के मामले में ये बात काम नहीं आई, लेकिन अब जो नया माहौल बना है उस माहौल में ये कानाफूसी शुरू हो गई है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से नीतीश कुमार के रडार पर आ गए हैं। भीतर ही भीतर जब ये कानाफूसी नीतीश कुमार के कान में गई कि तेजस्वी यादव जुगाड़ कर रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद नीतीश कुमार ने एक से एक राजनीतिक ड्रामा किया, स्वांग रचे, उसके बाद भी अगर तेजस्वी यादव ये तैयारी कर रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं आंकड़ों का कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो ये बर्दाश्त नीतीश कुमार को नहीं है। नीतीश कुमार ने 2025 तक के लिए तेजस्वी यादव को रोक के रख दिया था, स्टैंड बाई में रख करके उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दिया था कि अगर इसमें कोई फेरबदल होता है, और नीतीश कुमार के फैसले अक्सर ब्रह्मा के लकीर कहा जाता है वो होती है, क्योंकि नीतीश कुमार के फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, और जो भी उस फैसले के विरुद्ध जाता है या उस फैसले का के लिए को मानने से इनकार कर देता है, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार उसके लिए जुगाड़ कर देते हैं। अब तेजस्वी यादव लगातार और उनकी टीम के द्वारा ये बात कही जा रही थी, जगदानंद सिंह लगातार कह रहे थे कि 24-25 कौन कहता है, अब 23 में ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हमने भी खबरों में आपको बताया था कि तेजस्वी यादव को वो जुगाड़ तंत्र जिसके सहारे 122 का आंकड़ा छू लेना हो और मुख्यमंत्री बन जाए, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल हो सकते हैं और उनकी राजनीतिक लीला भी समाप्त हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार नीतीश कुमार हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जो लगातार ये चाह रही थी कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए तेजस्वी यादव किसी भी तरह से अगर सहयोग मांगते हैं बाहर से भी तो दे दिया जाएगा, लेकिन अब वो भी कहीं ना कहीं इस बात को चिंतन करने लगी, सोचने लगी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये बात बार बार नीतीश कुमार को कह रही है कि अगर आपको किसी पद से लालच नहीं है, कुछ नहीं करना है, तो आप कुर्सी दे दीजिए। हमने आपको बताया था कि प्रशांत किशोर ने भी सलाह दिया था कि यदि आपको लगता है कि तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा काबिल हैं, आपने इतने दिनों तक राजनीति की, उसके बाद से एकमात्र उत्तराधिकारी हैं जो बिहार को संभाल सकते हैं, तो उनको कुर्सी दे दीजिए। 2025 तक वो कुर्सी पर बैठ करके और बिहार की जनता को संतुष्ट कर दें कि हाँ आगे भी उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बरकरार रखा जा सकता है, दाल चावल का भाव दोनों को मालूम हो जाएगा। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि कई ऐसे चुनाव हुए जिन चुनावों की हम चर्चा कर चुके हैं, उसकी चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, कि 6 सीटों पर उपचुनाव हुए जिसमें से बार बार नीतीश कुमार 2 सीटों पर रोकने में कामयाब रहे, मात्र 2 सीटों पर रोक करके उन्होंने बता दिया कि तेजस्वी यादव का MY समीकरण अब या तो नीतीश कुमार के हाथ में है, उसे जैसे चाहे चलाएं, चाहे हारने के नाम पर हो या जीतने के नाम पर हो। वहीं दूसरी तरफ 2-2 सीटें लेकर के एक तरफ जहां NDA के साथ रहते हुए नीतीश कुमार ने 2 सीटों पर कब्जा किया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग NDA से अलग होने के बाद मात्र 2 सीटों पर तेजस्वी यादव को जीत मिली और भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर जीती। इसका सीधा सा मतलब है कि 4 सीटों पे NDA की जीत हुई है। अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए अलार्मिंग समय जरूर है, और सबसे बड़ी बात है कि यह सारा जुगाड़, हमने आपको बताया था कि ममता बनर्जी को भी राजी कर लिया था उन्होंने कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मान ले और जो जुगाड़ कर रहे हैं उस जुगाड़ के में मुखिया के रूप में काम करें। लेकिन इधर ममता बनर्जी के से इंटरनल बात हुई और इसकी भनक कांग्रेस को मिली, कांग्रेस ने तुरंत इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के नेता के रूप में राहुल गांधी ही होंगे और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी वही होंगे। अब ऐसी स्थिति में ये बात समझा जा सकता है कि जब तक बिहार वाली कुर्सी खाली नहीं होगी तो तेजस्वी यादव को कुर्सी मिलेगी भी नहीं, यानी कि सीधा समझ लीजिए आप कि हर हाल में अब भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ गई है कि न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, यानी कि
आप समझ गए हैं कि न 122 के आंकड़ों का जुगाड़ नीतीश कुमार होने देंगे तेजस्वी यादव के लिए, और न भारतीय जनता पार्टी अब सहयोग करना चाहती है। दोनों के बीच में लड़ाई जितना अधिक होगा उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं, ग्रहण लग गया है। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।